हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज किचन में पिज्जा हट से इंस्पायर्ड लेमोजीन पिज्जा बनाने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। मैंने एक जार लिया है, इसमें मैं शुगर ऐड करूंगी। ईस्ट ऐड करेंगे। और वार्म वाटर, हॉट वाटर नहीं यूज करना है, जस्ट वार्म वाटर। इसको अच्छे से स्टर करेंगे। कवर करूंगी और इसको साइड में रखूंगी बबल्स आने पे। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे इसका डो। मैंने 6.5 कप मैदा लिया है, क्योंकि लेमोजीन पिज्जा है तो हर चीज जाइंट साइज में बनेगी। ठीक है, देखिए 6.5 कप मैदा हो गया। इसके अंदर एक वेल बनाएंगे, ओलिव ऑयल ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे हाथ से। अब ये तो देखिए ईस्ट का मिक्सचर था, कितना अच्छा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस मिक्सचर को मैं डालूंगी मैदे के अंदर। मशीन को ऑन करेंगे। अब मैं इसमें वार्म वाटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊंगी और डो को बिल्कुल स्मूथ होने तक मशीन को चलाते रहेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमको बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, मीडियम डो बनाना है। जब तक अच्छे से वेल कंबाइन नहीं हो जाता है, उस वक्त तक हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। देखिए जबरदस्त हमारा डो जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तैयार हो चुका है। मैं बोल को बाहर निकालूं। मैं रोलिंग मैट के ऊपर सारे डो को बाहर निकाल के ठीक है, सारा बाहर निकल आ चुका है। थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। अच्छे से इसको स्ट्रेच करेंगे। और एक इसमें बड़ा सा बॉल बना लेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर मैं इसके साथ भी करूंगी, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करूंगी हाथ की मदद से। और मैंने इसकी भी एक बड़ी सी बॉल बना ली। अब मैं एक बड़े साइज का एक बोल लूंगी, उसके अंदर हम थोड़ा सा ओलिव ऑयल डालेंगे, उसको ब्रश की मदद से चारों तरफ स्प्रेड करेंगे।
एक पेड़े को उसके अंदर डाल के ओलिव ऑयल की मदद से चारों तरफ घुमाएंगे और इसको हम करेंगे कवर। या तो आप वेट कवर क्लोथ से इसको करिए, नहीं तो इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाइए, अच्छी तरह से कवर करिए और इसको 1.5 से 2 घंटे या जब तक ये डबल साइज में नहीं हो जाए किसी वार्म प्लेस पर हम इसको रखेंगे। जो दूसरा था उसको भी इसी तरह से करेंगे, इसको कवर करेंगे क्लिंग फिल्म से और दोनों बोल्स को मैं रख दूंगी। उतनी देर में हम चिकन की प्रिपरेशन करते हैं, मैरिनेशन तैयार करेंगे। बारबेक्यू सॉस लिया है मैंने, ये मैं एक बारबेक्यू फ्लेवर बना दी हूँ। केचप डालेंगे, सोया सॉस ऐड किया है, सॉल्ट है, कुटी हुई लाल मिर्च है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए, और काली मिर्च कुटी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून में ओलिव ऑयल डालूंगी, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर होने के लिए रख देंगे। अब मैं दूसरा चिकन बनाती हूँ, ये मैं रैंच बना रही हूँ। इसमें मैंने योगर्ट लिया, लेमन जूस ऐड किया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला ऐड किया, पेपरिका पाउडर और काली मिर्च, थोड़ा सा ओलिव ऑयल ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको भी मैं 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। ठीक है, एक पैन गरम करेंगे, उसमें ओलिव ऑयल डालेंगे, मैरिनेट किया हुआ चिकन उसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर इसको पैन सियर्ड करेंगे। 100% कुक नहीं करना है, सिर्फ सियर करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अंदर लॉक हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं एक बोल में ट्रांसफर करूंगी। एक और पैन में लूंगी, दूसरा चिकन जो हमने मैरिनेट किया था बारबेक्यू, उसको भी सेम प्रोसीजर से बनाएंगे। मैंने ऑयल डाला पैन में, पैन को गर्म किया, मैरिनेट किया हुआ मैं चिकन इसमें ऐड करूंगी, और इसको भी हम पैन सियर्ड करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाए। ठीक है, चिकन हमारा रेडी हो गया, इसको मैं एक बोल में ट्रांसफर करूंगी। और इसको साइड में रखेंगे। अब चलते हैं हम रैंच सॉस बनाएंगे, क्योंकि मैं एक पिज्जा रैंच बना रही हूँ। मैंने क्रीम ली है 1 कप, एक कप मैं इसमें मेयोनेज ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चॉप किया हुआ पार्सले,
और डिल, गार्लिक पाउडर और लेमन जूस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा रैंच सॉस तैयार है। इसको मैं 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि अच्छी तरह से टेस्ट इसके अंदर निखर कर रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब डो की तरफ। ये देखिए कितना अच्छा प्रूफ हुआ है, डबल से ज्यादा प्रूफ हो गया है, बहुत जबरदस्त प्रूफ हो गया है। बहुत हल्के हाथ से इसको बाहर निकालेंगे बोल से। प्लेन फ्लावर इसके ऊपर थोड़ा सा डाला और इसको मैं एक बोल बनाऊंगी इसका, एक बड़ा सा। अभी इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए हम रखेंगे। इसके एक बॉल बनाएंगे। इस स्टेज पे बहुत स्टिकी होता है। ठीक है, दूसरा बॉल भी निकालेंगे। देखिए कितनी अच्छी इसमें गैस अंदर बनी हुई है, बहुत अच्छा प्रूफ हुआ है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने प्लेन फ्लावर डाला और इसका भी मैं एक बड़ा सा गोल करके एक बॉल बनाऊंगी और सेकंड प्रूफिंग के लिए इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ओलिव ऑयल ड्रिजल करूंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम बेकिंग ट्रे की तरफ। क्योंकि लिमोजीन पिज्जा है तो उसकी ट्रे भी बिल्कुल लार्जेस्ट है। मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाया हुआ है। इसके ऊपर हम ओलिव ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से पूरे ट्रे के ऊपर ब्रश की मदद से स्प्रेड करें। इसके ऊपर मैंने सूजी थोड़ी सी स्प्रिंकल की है, मैदा भी स्प्रिंकल किया जा सकता है। अब जो हमने डो प्रिपेयर किया था उसके छोटे छोटे से पीसेस मैं पूरे ट्रे पे डालूंगी। के हाथ में खूब अच्छी तरह से हमने ओलिव ऑयल लगाया और इसको हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से इसको पूरी ट्रे के ऊपर स्प्रेड करें। क्योंकि इतना बड़ा है इसको रोल करना, उस पर ट्रे पे से उठाना मुश्किल है, इसलिए हम हाथ की मदद से ही इसको पूरे इसमें फैलाएंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेसिपी लिस्ट और रेसिपी का मेथड हर चीज आपको मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं बारबेक्यू रैंच और मार्गरिटा बना रही हूँ, मेरा फेवरेट रैंच है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट पिज्जा है। ठीक है, बेस हमारा तैयार हो गया, हम इसको 10 मिनट के लिए थर्ड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। देखिए कितने बड़े साइज का है, बिल्कुल जाइंट साइज का पिज्जा बन रहा है। अब मैं इसके ऊपर पिज्जा सॉस
क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है पिज़्ज़ा का, इसलिए मेक श्योर कि हर तरफ सही से लगे, खूब सारा पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे। और इसको ब्रश की मदद से मैं पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर अच्छी तरह से फैलाऊंगी। अच्छा, जब तक मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने अपना ओवन को जो है वो ऑन किया हुआ है प्री हीट करने के लिए। अब मैं सबसे पहले रैंच बना रही हूँ, तो जो हमने रैंच का सॉस प्रिपेयर किया था उसको हम बीच में डालेंगे। हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा मिडल वाला, उसमें हम रैंच पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे, सॉस को अच्छी तरह से इसको फैलाएंगे। अब जो हमने चिकन प्रिपेयर किया था उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, साथ में कटी हुई मैं शिमला मिर्च लगाऊंगी। साथ ही में थोड़ी सी रेड कैप्सिकम, मैंने ओलिव्स डाली है, ब्लैक यूज कर रही हूं मैं, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स मैंने इस पे डाले। अब मैं इसके ऊपर मोजरेला चीज डालूंगी और इसको अच्छी तरह से कवर करूंगी। अब हम चलते हैं दूसरे पिज्जा की साइड। बारबेक्यू सॉस सबसे पहले डाला, पिज्जा सॉस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसके ऊपर हमने बारबेक्यू सॉस ऐड किया। ब्रश की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सबसे पहले फिर मैंने इस पे मोज़रेला चीज ऐड करी। अब मैं जूलियन कट में कटी हुई कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, अब मैं रेड कैप्सिकम जूलियन कट में कटी हुई, रेड अनियन ऐड करेंगे इसमें। स्वीट कॉर्न और ब्लैक ओलिव्स। इसके ऊपर से मैं बारबेक्यू सॉस फिर से डालूंगी। अब मैंने इसको चीज से बिल्कुल कवर कर दिया। थर्ड साइड में चलते हैं, मार्गरेटा, उसके ऊपर मैंने पिज्जा सॉस लगाया था, उसके ऊपर चीज डाला, इसको मैं चेरी टोमेटोस के साथ में टॉपिंग करूंगी। इसकी मैंने चीज के कुछ स्लाइसेस डाले, थोड़ा सा ग्रीन ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें बेजल लीफ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर चिकन ऐड करूंगी। पिज्जा हमारा बिल्कुल रेडी है अवन में जाने के लिए। बिल्कुल देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। अवन हमारा प्री हीटेड है। मैं इसको 12 से 15 मिनट के लिए बेक करूंगी, या फिर उतनी देर जितनी देर क्रस्ट जो है वो अच्छे से पक के ब्राउन नहीं हो जाए।
ठीक है, अंदर करेंगे इसको बंद करेंगे 15 मिनट के लिए। और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा देखिए हमारा रेडी है, तीनों आप अपने मज़ेदार सॉस के साथ में जो भी आपको पसंद है ट्राई करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।